नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक जाने माने एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बैड न्यूज़ आया था, मतलब पिछले दिनों में, मतलब 2 दिन पहले। तो इस बैड न्यूज़ के कारण स्टॉक में अराउंड 5% से भी ज़्यादा, 5-6% तक ज़्यादा गिर चुके थे एक दिन में, और वो भी गैप डाउन में ओपन हुआ था। तो उसके पीछे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर रीज़न कौन सा था, और साथ ही साथ इस रीज़न के बेसिस से क्या कंपनी के ऊपर कुछ इम्पेक्ट पड़ने वाला है, क्या इस रीज़न के बेसिस से कंपनी के ऊपर शेयर बेच देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। देखिए, कभी भी स्टॉक जब गिरते हैं तो रिटेल जितने सारे निवेशक हैं होते हैं वो ज़्यादातर पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टॉक गिर चुके हैं, इसका मतलब वो और भी गिर सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको रीज़न जानना है और उस रीज़न के ऊपर आपको क्लारिफिकेशन मतलब देखना होगा कि एक्चुअली वो रीज़न फ्यूचर में कितना इम्पैक्ट देने वाला है। तो चलो, मैं एक एक करके पूरा डिटेल से आप डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप इस तरीके से मुझे प्यार भी देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नया नया चीज़ मैं इन्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है इस चैनल, तो आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, मैं पिछले दिनों में एक मतलब चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, जब मैं इस चार्ट पैटर्न को आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट, जो इंडिया के एक जाने माने एक दिग्गज कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अराउंड 26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो छोटा मोटा कंपनी में नहीं कहूँगा, इंडिया के देखा जाए तो नंबर 4 में रहने वाला एक कंपनी है। तो नंबर 4 में रहने वाला एक कंपनी, इसके बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है, उसके बारे में बात करूं तो कुछ डेटा यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए कि पिछले दिनों में अराउंड, आप देखेंगे, मैं 5 दिन का, चलो 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो अराउंड 5% तक गिरावट हो गया था। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, कौन सा कारण के बेसिस से यहाँ पे अचानक इस लेवल से डायरेक्ट इस लेवल तक आ गया? तो इस ये जो गैप गैप डाउन के ओपनिंग है, तो इस गैप डाउन के ओपनिंग के पीछे कौन सा रीजन है, कौन सा लॉजिक है? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करूंगा कि इस गिरावट कितना और गिरावट हो सकते हैं, क्या इस गिरावट कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर खतरा है। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे एडुकेशन पर्पज में आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इतने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, वो इंडिया का बेस्ट न्यूज चैनल है, आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। मैं इस चैनल को थैंकफुल कहूंगा जरूर, क्योंकि इस तरीके से शानदार न्यूज पब्लिश करने के लिए, तो आप इस साइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 7 हॉस्पिटलाइज्ड, 700 यहाँ पे देखिए एवाक्यूटेड जो है एक्चुअली तो अफेक्टेड हुए हैं, फायर इन यहाँ पे देखिए जो फैक्ट्रीज है उनमें क्या हुआ, फायर लग गए थे, रन बाय दीपक नाइट्रेट इन यहाँ पे देखिए जो भदोदरा है उसमें। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली दीपक नाइट्रेट के, देखिए दीपक नाइट्रेट क्या करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसा कंपनी है जिसमें ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादातर यहाँ पे आग लगने का चांसेस ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी टाइम मतलब आग लग सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट के ऊपर पिछले दिनों में तो एक फैक्ट्रीज में, गुजरात के एक फैक्ट्रीज में यहाँ पे आग लग गए थे, और उसी के बेसिस से कुछ इंजियर हुए, कुछ मतलब सीरियस केस भी थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पैनिक होने का सिचुएशन क्या है, जो डायरेक्ट स्टॉक 5% तक गिर गए। देखिए, मैं आपको इस चीज को डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स कुछ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देखिए फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे देखिए वडोदरा है, वडोदरा यहाँ पे देखिए जो एक्चुअली गुजरात में है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आग लग गई है, मतलब इस फैक्ट्रीज में आग लग गई है, फैक्ट्री नहीं, इस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में आग लग गई है, और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया करना पड़ा, मतलब इसका जो स्टाफ थे, इसका जो मतलब जितने सारे कर्मचारी थे, तो उसको क्या हुआ, कुछ इंजियर हुआ, तो कुछ सीरियसनेस कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी देखिए 700 पीपल्स एक्चुअली इंजियर हुआ है, और
इसके अंदर काम करते थे, और कुछ इस तरीके से मतलब आग लगने के कारण कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। तो एक्चुअली इसमें स्टॉक में गिरने का कारण कौन सा है? देखिए आपको मैं चलो एक बार आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक आपका कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्या है? आपका जो कंपनी है इसमें चलो आग लग गया, तो इसमें क्या होगा? आपका आग लगने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मतलब खत्म हो जाएगा, आग में जल जाएगा। तो उसका जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस क्या होगा? कंपनी के लिए एक बिग एक्सपेंस रह जाएगा। तो इस एक्सपेंस को इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर यही करते हैं, यही दिशा में देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट, इसका जो जितने सारे एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर पड़ा, एम्प्लॉय इंजर हुए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जितने सारे मतलब इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर जितने सारे हैं, उसको क्या लगा कि कंपनी के ऊपर आग लग गया, तो इसलिए कंपनी का जो एक्सपेंस होगा उस खर्चे को तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं दिखा पाएंगे पिछले क्वार्टर में, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जल गया, बहुत सारी चीज़ खत्म हो गया। तो इसीलिए उसको लग रहा है कि इसका अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा, तो इसीलिए स्टॉक में ज़्यादातर प्रेशर क्रिएट हुआ, तो लोग कंटिन्यू सेल आउट करते गए, तो इसलिए स्टॉक डायरेक्ट लॉस सर्किट देखने को मिला। लॉस सर्किट मतलब एक 5% तक गिरावट, उसके बाद देखिए अचानक रिकवरी हुआ। तो इस रिकवरी होने के पीछे भी लॉजिक कौन सा है? तो देखिए चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं वेबसाइट से, यानी BSE वेबसाइट साइट से ऊपर इस डेटा को डाउनलोड करके रखा हूँ, आप इस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो क्लारिफिकेशन दिया, कंपनी ने जो बताया वो आपको देखना चाहिए। क्या बताया आप खुद ही देख लीजिए, ये एक्चुअली कंपनी क्या बता रहा आप देख सकते हैं। देयर हैज बीन नो कैजुअलिटी एंड फ्यू पीपल आर बीइंग गिवन फास्ट एड ट्रीटमेंट। मतलब सीरियसनेस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ प्रोडक्ट तो जल गया, चलो मानता हूँ कंपनी का कुछ प्रोडक्ट जल गया, मगर कोई भी इसका जो कस्टमर है, सॉरी कस्टमर नहीं, इसका जो मतलब कारीगर है, तो उसके ऊपर, इसका जो एम्प्लॉयज है उसके ऊपर जो सीरियसनेस कुछ नहीं हुआ, कुछ नॉर्मली कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला, तो जिसके लिए आपको फास्ट एड देना पड़ेगा और उसमें वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसमें कंपनी बताया कि हर चीज, देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर होते हैं तो वो सेबी को उसको जनाना पड़ता है, मतलब उसको बोलना पड़ता है कि एक्चुअली कंपनी में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। तो आग लगे ये भी एक बिग इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए कंपनी तो सिर्फ उसी का नहीं, अभी शेयर होल्डर के पास भी है, तो शेयर होल्डर को भी जानने का हक है कि एक्चुअली कंपनी में आग क्यों लगा। तो इसका तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, तो अभी आग लगा है, तो कंपनी ने क्लारिफिकेशन के हिसाब से एक डेटा ऑब्वियसली कंपनी को भेजा, मतलब सेबी को भेजा। तो सेबी ने बताया इस डेटा को, रिपोर्ट को पब्लिश किया, तो एक्चुअली बताया जाए कि कंपनी एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिला, कोई किसी का जान भी नहीं गया, दूसरी बात उतना लॉसेस भी नहीं हुआ। और जो लॉसेस हुआ यहाँ पे कंपनी, और एक चीज यहाँ पे बताया जो सबसे बिग पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जरूर देखिए यहाँ पे देखिए, बोथ लॉस एंड एसेट्स एज वेल एज लॉस एज बिजनेस आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। इसका मतलब समझ लीजिए, जितने लॉसेस कंपनी के ऊपर हुए हैं वो लॉसेस के ऊपर कंपनी पहले ही इंश्योरेंस करके रखे थे। तो इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस से उसको पैसा मिल जाएगा, तो जो लॉसेस हुआ उसको रिकवरी हो जाएगा। तो यही बात जब जब मतलब फ्लैश हुआ, तो उसके बाद देखिए फिर से अचानक यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी हुआ। तो देखिए अचानक रिकवरी होने के पीछे तो लॉजिक होना चाहिए, 2% रिकवरी होना तो कोई लॉजिक तो होना चाहिए, 5% गिरने के बाद 2% रिकवरी हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई तो लॉजिक है, लॉजिक जरूर है। हाँ अभी अभी का आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कंपनी ने बताया, एक्चुअली कितना इंश्योरेंस का क्लेम उसको मिलेगा वो तो अभी पता नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा उसको भी न्यूज चैनल के माध्यम से, और BSE NSE साइड में अभी आपको मिल जाएगा। तो अभी कंपनी बता रहा है कि उसका इंश्योरेंस था और इस इंश्योरेंस के बेसिस से वो पैसा उसको मिलेगा। तो आपको यही सोचना है कि कंपनी हमेशा इंश्योरेंस करके रखते हैं कंपनी के ऊपर, हाँ छोटा मोटा जितने सारे कंपनीज होते हैं वो इंश्योरेंस नहीं करते। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि एक्चुअली आप जो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में इस तरीके से डेटा फाइंडिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा। देखिए आज इसके ऊपर आग लगा, तभी आपको पता चलेगा इस कंपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर कंपनी के एसेट के ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस करके रखा। तो एक बिग पॉइंट है, क्योंकि इंश्योरेंस रहेगा तो कुछ भी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आए, इस तरीके से लॉसेस हुए तो वो रिकवरी हो जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, दीपक नाइट्रेट एक शानदार कंपनी है, इसके ऊपर आप माल बेचेंगे तो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से।
से। देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, क्योंकि देखिए जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इतना शानदार है, 44 रुपीज, मतलब आप 100 रुपीज निवेश करके आपको कंपनी, मतलब आपका 100 रुपीज लेकर कंपनी 44 रुपीज कमा रहा है, तो ये सबसे बिग पॉइंट्स मुझे जरूर कहूंगा मैं। कंपनी का कर्जा भी देखिए ना के बराबर है उसके एनुअल की इनकम के हिसाब से। तो कुछ पैरामीटर में पहले ही आपको इस कंपनी के बारे में दिखा चुका हूँ, तो आप डिटेल्स वीडियो चाहिए इस कंपनी के ऊपर तो मुझे कमेंट करिए, और जितने कमेंट आएगा उसके बेसिस से मैं इस वीडियो को आपको जरूर इसके डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका इन्वेस्ट है, निवेश है, तो घबराने का कोई बात नहीं, इस तरीके से कंपनी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कंपनी 10,000 से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से हमने ख्याल रखिए, बाय बाय।